आयशा खान एक बार फिर से मुनव्वर फारूकी के फैंस के हत्थे चढ़ चुकी है। कुछ बातें मुझे सही लगी मुनव्वर के फैंस की और कुछ बातें जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी मुनव्वर के फैंस की। और मैं उनको एक्चुअली मैं मुनव्वर का फ़ैन नहीं ही बोलूँगी क्योंकि ऐसे मुनव्वर के फ़ैन हैं नहीं। मैंने अपने व्लॉग चैनल में आप लोग अगर चाहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ में ताका झांकी करना तो मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने हमेशा ये बात बोली है कि भाई मुझे इस बार जो है मुनव्वर के फ़ैंस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पसंद आए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब जो है इवन जैसे कि अबीशा फैंस भी हैं जिनको मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। वैसे जो है मुनव्वर की जनता भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पर कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हदें पार कर देते हैं और वो जो है उनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। अब जो है आयशा ने एक रील वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने पुराना गाना जो है यूज़ किया, पुराने एंगल्स को यूज़ किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ये बात बोली है। ना मेरा मुद्दा ये कैप्शन है, ना मेरा मुद्दा ये वीडियो है, मेरा मुद्दा है कि कुछ जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि रंडी खाने से आई हो। भाई ये शब्द ये कितना गंदा, मुझे बोलते वक्त भी अगर मैं बोलूंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ा बिकॉज लोगों ने यही चीज़ें बोली। भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे तो बड़ी सुंदर लग रही है आयशा खान, मैं पसंद नहीं करती इसको, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सुंदरता की मैं तारीफ करती हूँ जो ऊपर वाले ने बनाया है, भाई सुंदर है, फिगर अच्छा है, काफ़ी अच्छे नैन नक्श है, अच्छी लग रही है, साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। पर ये चीज़ें बोलने से पहले सोचा करो भाई, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। जो वो लोग भी एक्चुअली में ये काम कर रही हैं ना तो वो भी किसी मजबूरी में कर रही हैं, उनको भी गाली के ऐसा मत लो। और रही बात अब दूसरी चीज की जो कि मुझे मैं उसमें सहमत हूं लोग, क्योंकि इसके ऊपर मैंने भी उंगली उठाई थी, आयशा खान बिग बॉस में कुछ अलग दिखाई देती थी पर बाहर आने के बाद कुछ अलग, मैंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया था पर वहां पर लोगों ने बोला कि भाई तू अपने कपड़ों को संभाल, तू कौन होती है आयशा खान को कपड़ों के बारे में बताने वाली। मैं कोई होती नहीं हूं, पर जो है वो तो दिखाओ भाई, तुम बनावटी क्यों? क्योंकि मुनव्वर फारूकी को सूट वाली लड़कियां, एथनिक वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए इसने वहां पर एथनिक पहनना शुरू कर दिया। बाहर आने के बाद तो भाई तुम एक्चुअली में जैसी पहले थी वैसी ही होगी, क्लीविज दिखा रही हो, स्लीवलेस पहन रही हो, सब चीज़ें कर रही हो, बहुत ओपनली सब चीज़ें दिखा रही हो, तो ये एक्शन ये सब चीज़ें ये कपड़े वहाँ पर कहाँ पर गए थे? तो वहाँ पर भी तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए था अगर तुम रियल थी। बाहर आने के बाद तुमने फिर अपना वही रूप दिखाया तो वहाँ पर तो तुम फेक ही थी ना, तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिखा रही हो, जो कपड़े तुमने पहने हुए थे वहाँ पर तुम क्यों नहीं ये सब चीज़ें करती थी? ये मुद्दा जो उठाया है जनता ने आयशा खान के ऊपर उसके साथ मैं सहमत हूं, पर जो लोग ये वीडियो देख के ये बात बोल रहे हैं, जो वो शब्द यूज कर रहे हैं, मैं उनका साथ नहीं दूंगी। और मैं यही बात बोलूंगी कि भाई वो मुनव्वर के फैन भी नहीं है, अगर फिर भी कोई अगर ऐसी बात सोच रहा है ना, क्योंकि हर किस्म के लोग होते हैं, कोई अगर ऐसी बात सोच रहा है या इस बंदी को ऐसा आयशा खान को ऐसा बोल रहा है ना यार, प्लीज़ मत बोलो, ये बात अच्छी नहीं है। सोच समझ के अपनी भाषा को यूज़ किया करो, किसी के लिए आप गंदे शब्द यूज़ नहीं कर सकते। पावर लेके आओ यार अपने शब्दों में, आपके पावर ही नहीं है भाई, गंद फैलाते हो तुम, फिर खुद गंदे हो। मैं तो ये बात बोलूँगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।